नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी उमाश्री। आपका बहुत स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों, यही आपके लिए आशीर्वाद मैं भेजती हूं। भगवान आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखे। आज का वीडियो बहुत ही साधारण सा वीडियो है, सामान्य सा वीडियो है, जो कि आपको जानकारी देने के लिए है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको काफ़ी उद्वेलित कर रहे हैं इन दिनों, आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, पर यह खगोलीय घटना है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की वीडियो बनाते हैं क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं। एक ही टॉपिक पे 10 तरह के वीडियो बना देते हैं क्योंकि उसके ज़रिए उनको व्यू मिलते हैं। उनको इस चीज़ की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि आप लोगों में भय व्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि भय व्याप्त ना करें। ग्रह गोचर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जीवन में उथल पुथल होती है आपके अच्छे कर्मों की वजह से। तो कर्म का दामन मत छोड़िए। अच्छे कर्म और अपने द्वारा जो संचित पुण्य है वो आपको हर विपदा से निकालते हैं। बस इतने से छोटा सा मूल मंत्र जीवन का समझ लोगे तो कभी कोई बात आपको परेशान नहीं करेगी। और छोटी मोटी परेशानियां आती जाती रहती हैं, कुछ लोग अपने जीवन से ही उकता जाते हैं। तो यहाँ मैं बोलूँगी, जीवन अनमोल है। आप ये ना सोचें कि जीवन पर अगर आपने कुछ गलत काम किया तो उससे उसके बाद फिर आपकी मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद न जाने कितने जन्मों तक आपको भटकना पड़ सकता है, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे गंदे विचार अपने मन में कभी न लाएं। जब भी अपने आप से नफरत होने लगे तो अपने माता पिता की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने घर परिवार की तरफ देखें। और ये भी अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे तो उन बेसहारा लोगों को देखो जिनका कोई सहारा नहीं है, जो सहारे के लिए रो रहे हैं, सहारा तलाश रहे हैं। वृद्धाश्रम जाके वृद्धों की सेवा करो, गरीब बच्चों की सेवा करो। ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है उनके साथ जाके खड़े हो जाओ, अपना जीवन होना सार्थक हो जाएगा आपके लिए। बस इतने सा आपको मैं मूल मंत्र जीवन का बता रही हूँ। और अगर मेरी बात जरा सी भी आपको छू जाए तो ज़रूर एक कदम जिंदगी की तरफ बढ़ाना, कोई गलत काम मत करना। अब मैं आज आपको बता रही हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 5 जुलाई को पड़ रहा है। इसका मैं समय भी आपको बताती हूँ। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उसमें चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि रविवार को है, और 5 जुलाई 2020 का दिन है वो। यह ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका आदि स्थानों पर भी दिखाई देगा। भारतीय स्टैंडर्ड समय को अगर देखें तो ये ग्रहण भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 8:37 से 11:23 तक दिखाई देगा। यह जानकारी जो मेरे पास मौजूद पंचांग है उसके अनुसार दे रही हूँ। कई बार अलग अलग पंचांग होते हैं, इनमें कुछ समय का डिफरेंस होता है। तो जो भी आपको जानकारी दी जा रही है, 1-2 मिनट जो भी आगे पीछे हो रहा है, उसको सही ही माने, क्योंकि कोई भी गलत जानकारी क्यों देगा। बाकी तो किसी के दिमाग का कुछ नहीं कह सकते। बाकी मैं यहाँ जानकारी आपको अपने पंचांग के हिसाब से दे रही हूँ। अब बात करें कि ये ग्रहण प्रभावी कितना होगा, ये बहुत महत्व की बात है। तो ग्रहण के नाम पर कभी डरा मत करो। ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना होती है और जीवन में बहुत से भूचाल आते रहते हैं, आंधी तूफान आते रहते हैं, लेकिन जो लोग मजबूत होते हैं वो डटे रहते हैं, उस अडिग वृक्ष की तरह जिसको कोई हिला नहीं सकता। थोड़ी बहुत पत्तियां हिल जरूर सकती हैं पर उखड़ नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ 5 जुलाई 2020 को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है कितना प्रभावी होगा। मित्रों, ये भी एक उपच्छाई चंद्र ग्रहण है, जो कि मैंने पहले 5 और 6 जून को जो पड़ा था चंद्र ग्रहण, और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो ये भी उसी तरह का ग्रहण है और इसमें चंद्रमा धुंधला जरूर दिखाई देगा, लेकिन यह एक खगोलीय घटना मात्र के रूप में ली जानी चाहिए। इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव, जैसा कि प्राय हम ग्रहण के तौर पर ग्रहण करते हैं कि ग्रहण का जो प्रभाव पड़ता है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो कोई भी अगर आपको जानकारी देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं क्या है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जैसा प्रभाव नहीं देगा, स्पष्ट रूप से कहा गया है। ग्रहण जरूर है, ग्रहण नाम जरूर उसको दिया गया है, लेकिन ग्रहण जैसा प्रभावी नहीं होगा। सूर्य ग्रहण जो 21 तारीख को था वो था प्रभावी, और हमने भी बताया आपको कि वो बहुत बड़ा ग्रहण था, लेकिन यह सिर्फ जो है उपच्छाई चंद्र ग्रहण है। इसमें चंद्रमा सिर्फ धुंधला हो जाएगा, लेकिन ग्रहण जैसा जो प्रभाव सभी राशियों पर या जीवधारियों पर पड़ता है आमतौर पर, जो ग्रहण का प्रभाव, वैसा कोई प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ेगा। तो भय खाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी प्रकार का ग्रहण के दौरान जो प्रिकॉशन आप लोग रखते हैं वो कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है।